नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नारायणपुर की खबर के साथ, जहां नक्सली मुठभेड़ पर बड़ा अपडेट आया है। अबू झमाड़ में अभी भी मुठभेड़ जारी है। मारे गए नक्सलियों के शव को दंतेवाड़ा लाने की तैयारी है। जवानों और नक्सलियों में फिर से मुठभेड़ हुई है और मारे गए नक्सलियों के शव ला रहे हैं जवान। इसी के साथ फायरिंग का सिलसिला जारी है। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब तक 8 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। 8 हथियार भी मौके से जब्त किए गए हैं। तो लगातार मुठभेड़ और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन भी जारी। तो अभी भी मुठभेड़ जारी है। मारे गए नक्सलियों के शव दंतेवाड़ा लाने की तैयारी चल रही है। नक्सलियों के शव लाते समय जवानों पर फायरिंग भी की गई है। जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। एक और नक्सली इसमें ढेर कर दिया गया है। अब तक 7 थे लेकिन अभी 8 हो चुका है। 8 हथियार भी मौके से जब्त किए गए हैं। बता दें कि लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है जवानों की तरफ से नक्सलियों के फायरिंग का। इस बीच 8 नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है और साथ ही सर्चिंग भी चल रही है। अबू झमाड़ में अभी भी मुठभेड़ जारी है। एक और नक्सली ढेर कर दिया गया। कुल मिलाकर 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। इससे पहले कुछ समय पहले की ही घटना है, जब कई नक्सलियों को एक साथ जवानों ने मार गिराया था। 29 नक्सलियों को ढेर किया था और अब ये सिलसिला जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ, जहां 8 नक्सलियों को और जवानों ने ढेर कर दिए हैं। लगातार वो फायरिंग भी कर रहे थे जवानों पर, लेकिन जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सलियों के जो शव हैं वो बरामद हुए हैं और वो ढेर हो गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता खेम नारायण शर्मा जुड़ गए हैं। खेम नारायण, क्या जानकारी मिल रही है? मुठभेड़ अभी भी जारी है, कितने नक्सलियों के ढेर होने की खबर है? जी अंशिका, मैं आपको बता दूं कि नारायणपुर से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर 3 जिलों के जो जवान है, डीआरजी, एसटीएफ और जो बस्तर फाइटर के जो जवान हैं, उन्होंने 3 जिलों के जवानों ने जो है अबू झमाड़ को चारों तरफ से घेर लिया है और नक्सलियों को भागने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और कल सुबह 11 बजे से जो मुठभेड़ जारी हुआ था, रुक रुक कर जो गोलीबारी चल रही थी दोनों ओर से, उसमें जवानों ने 7 नक्सलियों को ढेर किया था। और जो है वो जब 7 नक्सलियों को जब वापस लेकर जवान निकल रहे थे, तो फिर से वहां पर आज मुठभेड़ शुरू हो गया है और फिर एक आज वर्दीधारी एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। तो अब तक जो नक्सलियों की मारे जाने की संख्या 8 हो चुकी है और एक बड़ी सफलता की ओर जो है ये जवान बढ़ते जा रहे हैं। और देखा जा रहा है कि पिछले 4 जो माह हैं उसके अंदर में 100 से अधिक नक्सलियों को जो है जवानों ने ढेर कर दिया है। चाहे वो कांकेर के 29 नक्सलियों की बात करें, बीजापुर में 12 नक्सलियों की बात करें, तो इस तरीके से जवानों को बड़ी बड़ी सफलताएं जो है मिल रही हैं। और इस वक्त जो है अबू झमाड़ के जंगल में जो है नक्सलियों को जो जवानों ने चारों तरफ से घेर लिया है और जो है वहां पर मुठभेड़ अभी भी जारी है। और जब मुठभेड़ समाप्त हो जाएगी उसके बाद और भी जो बड़े अपडेट हैं वो निकलकर सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए खेम नारायण। तो अभी भी लगातार सर्चिंग जारी है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है इस पर भी कार्रवाई की जाए। कवर्धा की बात करेंगे, जहां कवर्धा में हुए सड़क हादसे पर आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस हादसे पर स्वतः संज्ञान लिया है। आज चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच में इस पर सुनवाई होगी। कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 आदिवासियों की मौत को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका माना है। कोर्ट ने इस मामले में TPWD के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे और NHAI के साथ ही कलेक्टर सहित 10 अफसरों को पक्षकार बनाया गया। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान सभी आला अधिकारियों की मौजूदगी को अनिवार्य किया गया है। तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कवर्धा हादसे में 19 मजदूरों की मौत के मामले में, जांच भी की जाएगी। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है इस मामले में? हाईकोर्ट के क्या कुछ निर्देश थे?
देखिए कवर्धा, अंशिका जी, कवर्धा जो हादसा हुआ था, सड़क दुर्घटना, वो भीषण सड़क हादसा था। इस घटना ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। 19 लोगों की जान गई है, 10 लोगों की अभी भी उपचार जो है अस्पताल में चल रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस पर जो प्रमुख रूप से जो है प्रमुख सचिव PWD, उन परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे NHAI के अधिकारी, कलेक्टर कबीर धाम को इस पर पक्षकार बनाया गया है और आज इस पूरे मामले की सुनवाई है। इन सभी आला अधिकारियों को आज मौजूद रहना पड़ेगा इस पूरी सुनवाई के दौरान। डिवीजन बेंच, चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जिस तरीके से यह हादसा हुआ था, दिल दहलाने देने वाला था। 19 लोगों की जान गई थी, 15 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई थी, वहीं 4 लोगों की उपचार के दौरान मौत हुई थी। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये राशि देने की बात कही। वहीं जो इस पूरे घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनके परिजनों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ने बड़े गंभीरता से लिया है कि आखिर क्या कुछ ये जो घटनाएं हुई है उसकी क्या मुख्य वजह है, क्यों इस तरीके के हादसे हो रहे हैं, इनको रोकने के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। लिहाजा इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की डेट तय की थी, जिसकी सुनवाई अब से कुछ देर बाद होने वाली है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। तो अभी मौजूदा समय में इंतजार करना होगा इस पूरे मामले में आगे तमाम अपडेट्स के लिए। कवर्धा की बात करेंगे। सड़क हादसे के बाद भी लोग सबक नहीं ले रहे हैं। महासमुंद में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। लोडिंग गाड़ियों में क्षमता से ज्यादा लोगों को भरा जा रहा है। बसना, सरायपाली और पिथौरा से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाकर लोग सफर कर रहे हैं। ऐसी कई गाड़ियां रोजाना RTO और पुलिस के सामने से गुजर रही हैं, लेकिन विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता। तो ओवरलोड गाड़ी आप देखिए, इतना बड़ा हादसा हो गया, बावजूद इसके सबक लेने को तैयार नहीं लोग, बल्कि जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। RTO से लेकर पुलिस, किसी की भी नींद नहीं खुली है और यहाँ पर ओवरलोड गाड़ियों को देखा जा सकता है। सोमनाथ संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ, कवर्धा सड़क हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्या किसी की भी नजर इन वाहनों पर नहीं पड़ रही? जी अंशिका, बता दूं, जो कवर्धा में भीषण सड़क हादसा हुआ है वो कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में इसको लेकर लोगों में काफी उदासीन देखी गई, दुख देखा गया लोगों में, और इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग बड़ी लापरवाही यहाँ पे बरत रहे हैं, जिस पर जिला प्रशासन जो है महासमुंद के किसी प्रकार के सुध नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मेन रोड पर ही गाड़ियां गुजर रही हैं, उस पे RTO के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस विभाग मौजूद है, और उनके आंखों के सामने ही इस प्रकार से जो है गाड़ियां रोज दर्जनों गुजर रही हैं, जिन पर किसी प्रकार की कार्यवाही उनके द्वारा नहीं की जा रही है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया सोमनाथ जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्रों की जांच पर सियासत तेज है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी सरकार ST SC OBC के विरोधी है। जब से बीजेपी सरकार बनी, जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया। विजय शर्मा, एक भी शिकायत बता दे, जांच किस आधार पर करेंगे? बीजेपी सरकार सिर्फ जांच के नाम पर गुमराह करना चाहती है। कोई शिकायत है? क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना जांच कर पाए थे योगी का, वो जांच माफ करेंगे? ममता लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। ममता, अब जाति प्रमाण पत्र सियासत का मुद्दा बन गया है, इसको लेकर आरोप और प्रत्यारोप के दौर क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, जाति प्रमाण पत्र और दूसरी बात अगर हम बात करें तो ओबीसी जो है उसको लेकर, ओबीसी को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार जो है वो सियासत होती रही है। छत्तीसगढ़ में 38% जो आबादी है वो ओबीसी की है, और यही वजह है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो उनकी कोशिश होती है कि कैसे जो है वो ओबीसी को साधा जाए। अब कोलकाता हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद यहाँ पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि तमाम जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी जाँच कराई जाएगी, और इसी पर अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आप सबूत
लीजिए, जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से एक भी जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनना बंद हो गया है, और ऐसे में आप किस तरह की गड़बड़ी का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मसले को में जो है सियासत किस तरह से गर्माती है, और इस भूपेश बघेल का जो चैलेंज है उसको लेकर किस तरह का जवाब जो है वो गृह मंत्री विजय शर्मा देते हैं। लेकिन ये जरूर है कि तमाम तरह के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे लोकल इलेक्शंस हो, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर सबसे ज़्यादा अगर जाति का मुद्दा रहता तो खासतौर पर एसटी एससी और ओबीसी को लेकर जो है वो राजनीति गरमाई रहती है। 38% ओबीसी की जो यहाँ पर आबादी है, और इसको लेकर अगर हम बात करें तो चुनाव ना भी हो तो हर समय इस बात को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती रहती है कि कौन ओबीसी विरोधी और कौन ओबीसी हितैषी। धरंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। धनंजय जी, अब जो जाति प्रमाण पत्र है वो क्या छत्तीसगढ़ का मेन मुद्दा बन गया है? देखिए, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में एक आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, पारित भी हुआ था, जो राजभवन में अटका हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के नेता लगातार आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो स्वाभाविक बात है जिस प्रकार से इनके जन्म इसकी जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठा रहे हैं, स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से आरक्षण को खत्म करना चाहती है, एसटी एससी ओबीसी मिले अधिकार को खत्म करना चाहती है, और निश्चित तौर पर जाति प्रमाण पत्र जिस प्रकार से नहीं बन रहा है ये कहीं ना कहीं एसटी एससी ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जब आपकी सरकार थी उस वक्त तो इस पर ध्यान दिया जा सकता था। हमारी सरकार ने ही इस प्रदेश में 76% आरक्षण संशोधन विधेयक लाया, जिसमें एसटी एससी ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले, एससी वर्ग को 13% आरक्षण मिले, और ईडब्ल्यूएस वाले को 4% आरक्षण के लिए संशोधन विधेयक पास किया गया था। वो राजभवन में अटका हुआ, इसके पीछे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी मंशा है, और कई बार भाजपा के नेता अभी भी आप देखेंगे 400 सीट की जब दावा करते हैं तो संविधान बदलने की बात करते हैं, जब संविधान बदलने की बात करते हैं तो संविधान में मिले जो आरक्षण का अधिकार है वो भी खत्म हो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जाति प्रमाण पत्र और इस तरह के मुद्दे अगर कांग्रेस पार्टी गिना रही है तो स्थानीय मुद्दे कहां गए फिर? तो भाई, क्या आरक्षण का लाभ क्या भारत के और छत्तीसगढ़ के नागरिक नहीं मिलेगा? अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो प्रदेश के जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो आदिवासी समाज से जो आते हैं, एसटी वर्ग है, एससी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, क्या ये मुद्दा नहीं है? अगर आरक्षण का प्रमाण पत्र बनेगा तो सरकारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा, सरकारी भर्ती उनको लाभ मिलेगा, और भी गवर्नमेंट की योजनाएं इसमें आरक्षण। अशोक गजराज जी भी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। अशोक जी, क्या बीजेपी एसटी एससी ओबीसी का विरोध करती है? कांग्रेस का आरोप किसने कह दिया? ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी आयोग अलग से बना, मंत्रालय अलग बना, हमारे सरकार भी बना है, एसटी एससी और ओबीसी के प्रति पूरा सम्मान है, उनको पूरा सरकार का संरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी सबसे मोहब्बत करती है और सबके हितों का ध्यान रखती है, तो कांग्रेस वृद्धा आरोप लगा रही है, चुनावी की गुफा है और चुनाव में उनको फायदा मिला इसलिए इस प्रकार के वर्ग भेद की बात करती है, और वर्ग भेद की बात कर करके हमेशा इस तरह लड़ाती आई है। इन जाति प्रमाण पत्र के नाम पर भूपेश बघेल ये कहते नजर आ रहे थे कि अगर इतनी ही चिंता है बीजेपी को एसटी एससी की तो जाति प्रमाण पत्र पर क्यों नहीं विचार करते? जाति प्रमाण पत्र तो दिया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात है, जाति प्रमाण पत्र थोड़ी बीजेपी ने बंद कर दिया, जाति प्रमाण पत्र आज भी बन रहा है, उनके अलग प्रक्रिया है, और उनको भूपेश बघेल को जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो मिल जाएगा। जांच के नाम पर कहना है उनका कि जांच के नाम पर घोटाले किए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। घोटाले तो उनके सरकार में हुए ना, तभी तो लोगों ने विधानसभा से लेकर यहाँ तक नग्न प्रदर्शन किया था, गिरफ्तारी हुई थी, इतना बड़ा बॉन्डर हुआ, और कई लोग जो फर्जी प्रमाण पत्र लेकर नौकरी कर रहे हैं उनको निकालने की बात इतनी गर्म हुई थी। आज भूपेश बघेल जी इसको पास में सोचे कि उन्होंने कभी गलत प्रमाण पत्र लेने वालों के खिलाफ में कार्रवाई की है क्या?
जो इस प्रकार के जाति प्रमाण बनते उसका दुरुपयोग करते हैं। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि अब तमाम जो मामले हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, वो चुनाव तो हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन रिजल्ट के पहले कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब सियासत हो रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह दावा किया है कि केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है, हम झीरम मामले की सही जांच करवाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने हमेशा झीरम की जांच को रोकने की कोशिश की। उन्होंने झीरम मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बयान पर भी तीखा पलटवार किया है। ये नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जाँच सौंप दें राज्य सरकार को, उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे मध्य क्षेत्र बैठक हुई जिसमें उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी लेवल के हुई, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा हिम्मत है कि मेरी जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया, उसे जेब से निकालना पड़ेगा। तो जांजगीर चांपा के नैला नगर पालिका की लापरवाही की वजह से भीषण गर्मी में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ता है। नहर से पानी की सप्लाई बंद हो गई है और समय पर तालाब नहीं भरने की वजह से शहर में पानी की किल्लत हो रही है। वहीं शहर में लगे दो वाटर एटीएम बंद पड़े हैं। इस मुद्दे पर जब न्यूज 18 ने नगर पालिका सीएमओ प्रहलाद पांडे से बात की तो उन्होंने दावा किया कि शहर में पानी की समस्या नहीं है, एक वाटर एटीएम काम कर रहा है जबकि दूसरे में कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है। साथ ही उन्होंने तालाब में भरपूर पानी होने का भी दावा किया। नगर पालिका अंतर्गत दो वाटर एटीएम है जिसमें एक स्टार्ट है, चल रहा है बस स्टैंड में, और जो कचहरी चौक पे है वो उसको उसका चेक करवाना पड़ेगा कि क्यों बंद है। अभी हफ्ते भर पहले तक वो स्टार्ट था। सर पानी के गंभीर समस्या है तो इस मुद्दा को किस तरह से निपटाएं? अभी नगर पालिका अंतर्गत तो कोई समस्या नहीं है। जांजगीर नैला नगर पालिका में वाटर एटीएम कचहरी चौक के पास लगा है जो पूरी तरह से कबाड़ में तब्दील हो गया है। यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, लोग भरने आए हैं पानी। यहाँ के राहगीर आसपास के लोग, चूंकि मुख्य चौक है, यहाँ पे भीड़ का जमावड़ा रहता है लोगों की, वो वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी के दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे हम जी बताएंगे, यहाँ पानी लेने आए हुए हैं तो क्या समस्या हो रही है और पानी क्यों नहीं मिल रही है आपको? पानी नहीं निकल रहा है इसमें, अब समस्या है तभी तो नहीं निकल रहा है पानी का, और ना यहाँ पानी माने हैंडपम्प है ना और कुछ व्यवस्था है, बोर है, ये बड़ा समस्या है। तो पानी पीने के लिए आप बूंद बूंद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मतलब बूंद बूंद नसीब नहीं हो रहा है यहाँ? हाँ हाँ, माने कोई नसीब नहीं हो रहा है, अब ले दे करके पानी अब दुकान से खरीदना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। क्या चाहते हैं आप इस वाटर एटीएम को चालू करने के लिए? अब चालू होता तो ठीक था, बाकी अब जरूरी है अभी पानी पीने के लिए। जी बताएंगे यहाँ किस तरह की समस्या हो रही है? बहुत समस्या है, पर पानी के लिए मशीन में पानी नहीं कर रहा है, मशीन लग रहा खराब हो गया है, इसको सुधरवाया जाए और पानी हम लोगों को मिल सके आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर कचहरी चौक में। यहाँ पर ना एक भी हैंडपम्प है ना बोर है यहाँ पर पानी पीने के लिए। जिस तरह नगर पालिका नैला जांजगीर द्वारा ढिंढोरा पीटता है कि यहाँ लोगों के लिए पानी की किल्लत नहीं, हम घर घर पहुँचा रहे हैं, बोर है, लेकिन मुख्य चौक पर राहगीरों को भारी पानी का समस्या हो रहा है, इससे निजात किस तरह के दिलाएंगे नगर पालिका, यह सोचने वाली बात है। कैलाश कश्यप, न्यूज 18 जांजगीर चांपा। कैलाश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, आपने लोगों से वहां पर बात भी की और जब उनसे पूछा गया कि यहां पर पानी की व्यवस्था कैसी है तो वाकई में वो काफी परेशान होते नजर आए। इस तरह के वाटर एटीएम जो गर्मी में जान बचाने के लिए, लोगों को हाइड्रेट रखने के लिए लगाए जाते हैं, वो एकदम खराब पड़े हुए हैं। क्या कहना था वहां के लोगों का, कब से खराब पड़े हैं और मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाया?
जी आपको बता दूं, जांजगीर नैला में जल संकट अब गहराने लगी है। सिंचाई के लिए हसदेव नहर भी बंद हो चुकी है, तालाब समय पर नहीं भरा गया है। नगर पालिका प्रशासन ढिंढोरा पीटती है कि हमने संपूर्ण व्यवस्था अपने नगर के लोगों के लिए की है। एक तरफ पाइपलाइन की समस्या हो रही है तो दूसरे तरफ यहाँ वाटर एटीएम जो है विगत 6 महीनों से ज़्यादा समय की से वो बंद पड़ी है। तत्कालीन CMO चंदन शर्मा ने भी दावा किया था कि उस समय हम तत्काल इसको वाटर एटीएम को मरम्मत कराएंगे और शुरू कराएंगे, लेकिन आज पर्यंत तक 6 महीना बीत जाने के बाद भी न्यूज 18 ने जब पड़ताल की तो वह एटीएम जो है बंद पड़ी है और लोग वहां बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और वाटर एटीएम से जो पैसा डालने के बाद भी पानी निकला यह बहुत विडंबना है। और नगर में अन्य वार्डों में भी पानी की समस्या बढ़ रही है जिसके लिए न तो इनके पास पर्याप्त टैंकर है न ही तालाब भरे गए हैं, तो ऐसे में किस तरह से नगर वासियों को पानी की जल संकट जो हो रही है उससे निजात दिलेंगे यह सोचने वाली बात है। और यहाँ पदस्थ अधिकारी कर्मचारी ओवर कॉन्फिडेंस की जिंदगी जीते हैं, ना ही तहकीकात करते हैं और ऑफिस में बैठ के ही उन्होंने कागजी कार्यवाही दिखाते हुए ढिंढोरा पीट दिया कि हमने पर्याप्त संसाधन जुटाए हैं और लोगों को समस्या पानी के लिए नहीं होगी। बहुत शुक्रिया कैलाश जानकारी साझा करने के लिए। तो ऐसे में लोग परेशान हैं क्योंकि पानी की समस्या है, गर्मी का मौसम है और वाटर एटीएम खराब हो चुके हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।